हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्वागत है आप सभी का हमारे एक बार फिर से यूट्यूब चैनल में। सो बेसिकली आज आपके लिए फिर से लेकर आया हूँ 100 इंग्लिश सेंटेंसेस, ठीक है, जो आप घर पे बैठ के इंग्लिश सीख सकते हैं हमारे साथ प्रैक्टिस करके, ठीक है। सो उम्मीद है कि आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे, आप मेरे साथ बोलेंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, आजकल मैं स्पोकन इंग्लिश सीख रहा हूं, ठीक है। दीज डेज आई एम लर्निंग स्पोकन इंग्लिश, दीज डेज आई एम लर्निंग स्पोकन इंग्लिश। नेक्स्ट, यह तुम्हारा भ्रम है, इट्स योर इल्यूजन, इट्स योर इल्यूजन। नेक्स्ट है, मुझे इसकी आदत है, आई एम यूज्ड टू इट, आई एम यूज्ड टू इट। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे टोको मत, डोंट इंटरप्ट मी, डोंट इंटरप्ट मी। नेक्स्ट सेंटेंस है, खुद पर विश्वास रखो, बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम यह कर सकते हो, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम अंग्रेजी सीख सकते हो, यू कैन लर्न इंग्लिश, यू कैन लर्न इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर आप रोज मेरे साथ प्रैक्टिस करते हैं, इफ यू प्रैक्टिस विद मी रेगुलरली, इफ यू प्रैक्टिस विद मी रेगुलरली। नेक्स्ट सेंटेंस है, विश्वास करो या ना करो, बिलीव इट or not, believe it or not। Next sentence है, उसे दोबारा पूछो, ask him again, ask him again। Next sentence है, जरा रुको, wait a moment, wait a moment। Next sentence है, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, what can I do for you, what can I do for you। नेक्स्ट सेंटेंस है, बड़बड़ाओ मत, डोंट मटर, डोंट मटर। नेक्स्ट सेंटेंस है, कानाफूसी मत करो, डोंट विस्पर, डोंट विस्पर। नेक्स्ट है, क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स गोइंग ऑन। नेक्स्ट है, मुझे बुरा लग रहा है, आई एम फीलिंग डाउन, I am feeling down। Next sentence है, मुझे एक लेने दो, let me have one, let me have one। Next है, इसे ठीक करा दो, get it repaired, get it repaired। Next sentence is, काश मैं वहाँ होता, I wish I was there, I wish I was there। The next sentence is, मेरे हाथ गीले हैं, my hands are wet, my hands are wet। The next sentence is, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, it doesn't matter, it doesn't matter। उम्मीद करते हैं कि आप भी मेरे साथ इंग्लिश है ना रिपीट कर रहे होंगे, ठीक है। The next sentence is, वह मुसीबत में है, he is in trouble, he is in trouble। The next sentence is, तुम्हें देरी क्यों हुई, why are you late, why are you late। The next sentence is, मैं तुमसे पक गया हूँ, I am tired of you, I am tired of you। The next sentence is, आपने मेरा दिन बना दिया, you made my day, you made my day। The next sentence is, मुझे बाद में याद दिलाना, remind me later, remind me later। The next sentence is, मैं बाल बाल बचा, I escaped narrowly, I escaped narrowly। जैसे मैं कोई बोलता ना कि मैं बाल बाल बच गया यार, ठीक है, तो वहां पे क्या यूज कर सकते हैं, I escaped narrowly। The next sentence is, होशियार मत बनो, don't be smart, don't be smart। The next sentence is, यह मूवी खूब चलेगी। दिस मूवी विल लास्ट लॉन्ग, दिस मूवी विल लास्ट लॉन्ग। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि यह गाना खूब चलेगा, यह मूवी बहुत अच्छी चलेगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा दिन तक चलेगी, इसका मतलब यह है कि दिस मूवी विल लास्ट लॉन्ग। तो लास्ट लॉन्ग ये यूज़ करना है। सो नेक्स्ट सेंटेंस इज यह गाना खूब चलेगा, ठीक है, तो मैं उसी पे बेस एक ले लिया और दिस सॉन्ग विल लास्ट लॉन्ग, दिस सॉन्ग विल लास्ट लॉन्ग, ठीक है। अब इस पे बहुत सारे सेंटेंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। द नेक्स्ट सेंटेंस इज मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक सो, आई थिंक सो। द नेक्स्ट सेंटेंस इज क्या यह संभव है, इज इट पॉसिबल, इज इट पॉसिबल। द नेक्स्ट सेंटेंस इज क्या तुम पागल हो, आर यू क्रेजी, आर यू क्रेजी। द नेक्स्ट सेंटेंस इज यह तुम्हारे लिए है, दिस इज फॉर यू, दिस इज फॉर यू। द नेक्स्ट सेंटेंस इज तुम्हें कैसे पता, हाउ डू यू नो, हाउ डू यू नो। द नेक्स्ट सेंटेंस इज शांत हो जाओ, काम डाउन, काम डाउन। जैसे कोई गुस्सा हो जाता तो बोलते हैं ना कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, काम डाउन प्लीज, काम डाउन प्लीज, काम डाउन, ठीक है, तो वहां पे हम लोग यूज कर सकते हैं। द नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं तुम्हारे साथ वहां जाऊंगा, आई विल गो देयर विद यू, आई विल गो देयर विद यू। द नेक्स्ट सेंटेंस इज किसी भी कीमत पर, एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट। द नेक्स्ट सेंटेंस इज पहले मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक फर्स्ट, लेट मी स्पीक फर्स्ट। द नेक्स्ट सेंटेंस इज सो इसमें बहुत सारे सेंटेंस है, जैसे तुम चाहो, जैसी आपकी इच्छा, जैसा हो, जैसा आपको ठीक लगे, ठीक है। सो इन तीनों सेंटेंस का जो एक ही हम लोग यूज कर सकते हैं इंग्लिश, वो क्या है कि एज यू विश, जैसी आपकी मर्जी, एज यू विश, जैसी आपकी इच्छा हो, जैसा आपको ठीक लगे। जैसे हम लोग ऑफिस में बोलते हैं ना, सर आपको जैसा ठीक लगे आप वैसे करो, एज यू विश, ठीक है, आपको जैसा लगता है कि वैसे आप अपने हिसाब से डिसाइड करो, एज यू विश, यू कैन डिसाइड विद योर ऑन डिसीजन, ठीक है, जैसी आपको ठीक लगे। द नेक्स्ट सेंटेंस इज जल्द ही फिर मिलेंगे, सी यू सून, सी यू सून। द नेक्स्ट सेंटेंस इज बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। अब जैसे इसको स्पीड में बोलना है तो इसको कैसे बोलेंगे, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, ठीक है, तो आप दोनों तरीके से प्रैक्टिस करना, नॉट एट ऑल। द नेक्स्ट सेंटेंस इज चुप रहो या फिर शांत रहो, ठीक है, तो दोनों का ये सेम है, कीप क्वाइट, कीप क्वाइट। द नेक्स्ट सेंटेंस इज बस काफी है, दैट्स एनफ, दैट्स एनफ। द नेक्स्ट सेंटेंस इज बस बहुत हुआ। जैसे कोई आदमी पक जाता ना कि बस अब बहुत हुआ यार, है ना, अब मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा, ठीक है, सो वहां पे इंग्लिश हम लोग यूज कर सकते हैं कि एनफ इज एनफ, एनफ इज एनफ। द नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं उसके बारे में जानना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू नो अबाउट हिम, आई वॉन्ट टू नो अबाउट हिम। द नेक्स्ट सेंटेंस इज तुम उसके बारे में क्यों जानना चाहते हो, Why do you want to know about him? Why do you want to know about him? The next sentence is मुझे उससे कुछ काम है, I have some work with him, I have some work with him. The next sentence is उससे क्या काम है, What is the work with him? What is the work with him? The next one is मैं उसे ही बताऊंगा, आई विल टेल हिम ओनली, आई विल टेल हिम ओनली। द नेक्स्ट वन इज मेरा कुछ खाने का मन कर रहा है। जैसे अपने दोस्तों के साथ जाते हैं ना, बोलते हैं यार मुझे कुछ खाने का इच्छा हो रही है ना, मन कर रहा। सो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, आई फील लाइक ईटिंग समथिंग, आई फील लाइक ईटिंग समथिंग। द नेक्स्ट वन इज आप कितने बदल गए हैं, हाउ चेंज्ड यू आर, How changed you are. The next sentence is तुम मुझे बहुत परेशान करते हो, You annoy me a lot, You annoy me a lot. The next one is क्या बकवास चल रहा है, What the hell is going on, What the hell is going on? The next sentence is यह मेरा पसंदीदा काम है. This is my favorite job. This is my favorite job. या फिर इसको बोल सकते हैं It's my favorite job. It's my favorite job. The next one is कुछ अपने बारे में बताओ. जैसे हम लोग बोलते हैं ना कुछ अपने बारे में बताओ, दोस्तों से मिलते हैं या फिर जब इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो बोलता है ये वहां पे सामने वाला, ठीक है, कि कुछ अपने बारे में बताओ. टेल मी अबाउट योरसेल्फ. टेल मी अबाउट योरसेल्फ. द नेक्स्ट वन इज मुझे जवाब चाहिए. आई नीड आंसर्स. आई नीड आंसर्स. द नेक्स्ट वन इज मेरा पीछा मत करो. डोंट फॉलो मी. डोंट फॉलो मी. द नेक्स्ट वन इज जल्दी मत करो. डोंट रश. या फिर इसको बोलते हैं डोंट हरी. डोंट रश या डोंट हरी. द नेक्स्ट वन इज जिद मत करो. डोंट इंसिस्ट. डोंट इंसिस्ट. द नेक्स्ट वन इज एक बार और. वंस मोर. वंस मोर. जैसे कोई सॉन्ग या कुछ भी अच्छा लगता है किसी को तो बोलते हैं ना कि एक बार और सुना, एक बार और हो जाए, है ना, सो बोलते हैं वंस मोर. वंस मोर. जैसे कई स्टेज शो होता है ना तो लोग चिल्लाते हैं वंस मोर वंस मोर, ठीक है, तो एक बार और. द नेक्स्ट वन इज मेरे पास आओ. कम टू मी. कम टू मी. द नेक्स्ट वन इज पहली नजर में. एट फर्स्ट साइट. एट फर्स्ट साइट. द नेक्स्ट वन इज इसे लिखो. Write it down. Write it down. The next one is मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी. I didn't expect this from you. I didn't expect this from you. The next one is मुझे गुस्सा मत दिलाओ. Don't make me angry. Don't make me angry. The next sentence is तुम क्या चाहते हो? What do you want? What do you want? The next sentence is मुझे प्यास लगी है. I am thirsty. I am thirsty. The next sentence is मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ. I will get you some water. I will get you some water. Next sentence है ध्यान से पानी गिर जाएगा. Be careful, you might spill water. Be careful, you might spill water. Next sentence is जाकर ये गीले कपड़े बदल लो. Go change out of these wet clothes. Go change out of these wet clothes. The next sentence is वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी. Or you will catch a cold. Or you will catch a cold. इसका दूसरा क्या बोल सकते हैं? Otherwise you will catch a cold. Otherwise you will catch a cold. The next one is मुझे ठंड नहीं लगेगी. I won't feel cold. I won't feel cold. The next one is मैं अंग्रेजी बोलता हूँ. I speak English. I speak English. The next one is वह अंग्रेजी बोलता है. He speaks English. He speaks English. The next one is वह नहीं आता है. He doesn't come. He doesn't come. The next one is वह नहीं आना चाहता है. He doesn't want to come. He doesn't want to come. The next one is वह कौन है? Who is he? Who is he? The next one is क्या तुम उसके बारे में जानते हो? Do you know about him? Do you know about him? The next one is वह मेरा दोस्त है. He is my friend. He is my friend. The next one is मैं कप कपा रहा हूँ. जैसे कोई ठंडी से कप कपा रहा होता ना, जैसा भी ठंड का सीजन आ गया है, ठीक है, सो इसका क्या बोल सकते हैं? I am shivering. I am shivering. The next one is मुझ पर भरोसा रखो. Trust me. Trust me. The next one is मुझसे बहस मत करो. Don't argue with me. Don't argue with me. The next sentence is सुबह जल्दी उठो. Get up early in the morning. get up early in the morning. The next one is जल्दी करो, hurry up, hurry up. The next one is मैं सोने जा रहा हूँ, I am going to sleep, I am going to sleep. The next one is मेरे साथ आओ, come with me, come with me. The next one is अब चुप हो जाओ, now shut up, now shut up. ठीक है, तो shut up बोलते हैं ना किसी को, shut up चुप हो जाओ, है ना, तो now shut up. The next one is बकवास मत करो, don't do nonsense, don't do nonsense. The next one is बस काफी है, that's enough, that's enough. The next one is दरवाजा बंद करो, shut the door, shut the door. या फिर हम लोग बोलते हैं इसको नेक्स्ट में क्या क्या बोल सकते हैं, close the door, close the door. The next sentence is खिड़की खोल दो, open the window, open the window. The next sentence is पंखा चालू करो, switch on the fan, switch on the fan. The next sentence is पंखा बंद करो, switch off the fan, switch off the fan. The next sentence is मैं अंग्रेजी समझता हूँ, I understand English, I understand English. The next one is लेकिन मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता, but I can't speak English, but I can't speak English. The next one is मैं अंग्रेजी बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, I am trying to speak English, I am trying to speak English. The next one is मैं जल्द ही अंग्रेजी बोलूँगा, I will speak English soon, I will speak English soon. The next one is हमने अंग्रेजी के 100 वर्क प्रैक्टिस कर लिया है, We have practiced 100 English sentences. We have practiced 100 English sentences. So this is our last sentences, है ना. So उम्मीद करता हूँ कि आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस किए होंगे. So thanks for watching this video. उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया है. So वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय.